हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चॉकलेट की रेसिपी, मतलब कि घर में आप चॉकलेट्स कैसे बना सकते हैं। पसंद आएगा वो रेसिपी, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो आज की इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए कुछ डार्क कंपाउंड और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। जो डार्क कंपाउंड है उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स है उसे मैंने भून के और काट लिया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है टोटली। अब हम एक पतीला लेंगे और पतीले में पानी डाल के इसे गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। और अब हम जो चॉकलेट की बॉल है उसे उस पतीले के ऊपर चढ़ा देंगे। इसे बेसिकली हम डबल बॉयलर कहते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारी जो चॉकलेट होती हैं वो जलती नहीं है, क्योंकि चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। इन्हें कभी भी डायरेक्ट हीट में नहीं रखा जाता है, नहीं तो इनके वो टेक्सचर आते नहीं और ये जल जाते हैं। तो इस डबल बॉयलर के प्रोसेस से जो चॉकलेट्स हैं वो ईजिली मेल्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से मेल्ट होते हैं, बहुत ही शाइन आते हैं इनमें। तो हमें इसे इसी तरह मेल्ट करना है। इसका जो भाप आता है, इसके भाप से ये अच्छे से अपने आप मेल्ट होते जाते हैं। इसका जो भाप का टेम्परेचर है वो सफिशिएंट होता है चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में आपको इसे 40-40 सेकेंड्स के लिए 2 से 3 बार रखना है और फिर निकालने के बाद इसे चलाते रहना है, तो ये आराम से मेल्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप ये डबल बॉइलिंग का भी प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो डार्क चॉकलेट्स है आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप डार्क चॉकलेट्स सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है। हमें इसे इसी तरह मेल्ट करना है। हमें मेक श्योर करना है कि इसके सभी सॉलिड चॉकलेट्स पिघल जाएं। आप देख सकते हैं ये अब लगभग पिघल चुका है, ये मेल्ट हो चुका है। अब हमें इसे हटा देना। आप देख सकते हैं ये कैसे भाप से ही मेल्ट हुआ है। अब इसमें भी कुछ हीट रहता है तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है। अब हमें इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालना है और इसे अच्छे से चलाना है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसे अच्छे से, मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया है, आप जैसे चाहें वैसे इसे सर्व कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में डाल देना है। हमें इसे कम से कम आधे घंटे के लिए डालना है फ्रिज में। अब देख सकते कितना अच्छा। होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और ये बहुत ही ज्यादा इजी भी है बनाने में, अपने घर में भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स को भी भेजें। इसका जो रिव्यू है वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आके दीजिएगा और अगली वीडियो का वेट कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ जो आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। बाय बाय।